अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा। कलीम साहब, आपकी कहानी तो बहुत ही बोरिंग है। नींद आ गई मुझे तो। देखिए जी, आपके लिए कहानी होगी लेकिन मेरे लिए यही हकीकत है। हर कहानी की बुनियाद भी तो किसी हकीकत पे खड़ी होती है ना। पर रूमी, कलीम साहब ड्रामा राइटर नहीं है, ड्रामा डायरेक्टर हैं। अच्छा सर, वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। तमीज से रूमी, साहब ड्रामा करते नहीं हैं, ड्रामा डायरेक्ट करते हैं। मौसूफ हिदायतकार हैं। अच्छा सर, मौसूफ ड्रामा करते हैं। अगर आप दोनों का तंजो मजा का प्रोग्राम ख़त्म हो गया हो तो मैं जाऊं? हम अपना प्रोग्राम ख़त्म कर देते हैं, आप भी अपना ड्रामा बंद करें। सर आप तमीज़ से बात। अबे आप तमीज़ के सगे, दिया ना कान के नीचे तो सारी तमीज़ निकल जाएगी। Calm down, रूमी। कलीम साहब, आप कहते हैं कि परसों रात सबा वहां से चली गई थी, याद करें किसके साथ गई थी? देखिए जी, हमने 9 बजे पैकअप कर लिया था। आम दिनों की तरह ड्राइवर तमाम एक्टर्स को छोड़ने जाता है, लेकिन उसे सबा ने कहा कि वो खुद चली जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सर पूछ रहे हैं कि वो लोकेशन से किसके साथ गई थी। देखिए बीवी, मैं डायरेक्टर हूँ, एक्टर को लेकर आना छोड़ना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपको कब पता चला कि सबा गायब हो गई है? घर नहीं पहुंची? अगले दिन शूट थी, वो सेट पर नहीं पहुंची। हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर कोई तरीका ही नहीं था कि मुझसे कांटेक्ट कर सके, मोबाइल उसका बंद था। ओहो, सीन को कितना ड्रैग कर रहा है ये बॉस। ये बता कि सबा की गुमशुदगी का कब पता चला? सुबह उसकी माँ ने बताया था। उनकी मदर ने आपको फोन करके क्या कहा? यही कहा था कि जी सबा अभी तक आई नहीं और उसे कोई रब्ता नहीं हो रहा। रोमी, इन्हें मेरे ऑफिस में बिठाओ और बड़े मियाँ को अंदर भेजो। जी सर, चलिए जनाब। अच्छा, आप करते क्या हैं? सरकार में चौकीदार हूँ। परसों रात वो लड़की सबा को तो आप जानते हैं ना, मशहूर ड्रामा एक्ट्रेस। सर नाम से तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिस बंगले में मैं चौकीदार हूँ वहाँ बड़े एक्टर आते हैं ड्रामे की रिकॉर्डिंग के लिए। रोमी, जी ये दिली जी, ये थी। परसों रात किसके साथ गई थी? परसों रात को ये डायरेक्टर साहब की गाड़ी में गई थी। डायरेक्टर कौन? कलीम? जी जी, फिल्म साहब। कलीम और उस लड़की के अलावा गाड़ी में कोई था? लेकिन कलीम साहब तो बंगले के अंदर थे और गाड़ी उनका ड्राइवर लेके गया था। गाड़ी कौन सी थी? कलीम साहब तो अपनी गाड़ी में आए थे और गाड़ी तो बाहर खड़ी है। रूमी, काम करो, इनके साथ जाओ और गाड़ी की शनाख्त करवाओ और गाड़ी को सर्च करो। सर जी मैं जाऊँ? साथ चलो हमारे। ये सबा की चीज़ें आपकी गाड़ी में क्या कर रही हैं? जी मुझे क्या पता। तुम किसे पता होगा ये? तुझे पता ना तो तू ही बताएगा। रोमी प्लीज़ छोड़ो इसे। वैसे कलीम, आपकी कोई औलाद है? जी 3 बच्चे हैं। थोड़ी देर अपनी ड्रामेटिक जिंदगी से बाहर निकलकर सोचें कि
अगर आपकी बेटी दो दिन के लिए गायब हो जाए तो आप पर क्या गुजरेगी? देखिए, सभा को मैंने गायब नहीं किया, आप लोग बाकिर से क्यों नहीं पूछते? अब ये बाकिर कौन है? हीरो, मेरा मतलब है ड्रामे का हीरो। सभा और बाकिर आपस में रिलेशन में है। कैसा रिलेशन? सभा उस रात आपकी गाड़ी में गई थी और रिलेशन बाकिर से। स्ट्रेंज, तुम एक काम करो, इसे लेकर जाओ और वो हीरो बाकिर को लेकर आओ। इस सभा कहां जा सकते हैं? तो आप ड्रामे के हीरो हैं जी? अगर आप हीरो हैं तो मैं भी किसी ड्रामे में हीरोइन के लिए ट्राई मारूं क्या? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे आप हीरो लगते नहीं हैं। जब नवाजुद्दीन फिल्मों में हीरो आ सकता है तो मैं क्यों नहीं? इस बात में दम तो है। सबसे आखिरी बार कब मिले थे तुम? परसों दोपहर ड्रामा शूटिंग पर। वो रिकॉर्डिंग तो रात तक चली थी फिर? हाँ, मुझे कुछ काम था, मैं करीम साहब से इजाज़त लेके दोपहर में ही शूटिंग छोड़कर चला गया था। कैसा काम? पर्सनल काम था मुथरमा। सबसे ताल्लुक कैसा था तुम्हारा? हम अच्छे दोस्त हैं। कितने अच्छे दोस्त? बहुत अच्छे दोस्त। तो क्या तुम दोनों शादी करना चाहते हो? सर, मैं तो शादी करना चाहता था, मगर सभा थोड़ी कंफ्यूज्ड है। क्यों? मैडम, उसका भी आप वाला प्रॉब्लम है। क्या मतलब? मतलब ये कि सभा को मैं अच्छा एक्टर तो लगता हूँ, लेकिन शक्ल से हीरो नहीं लगता। जाहिर सी बात है, इंसान ने अच्छी शक्ल के साथ ही तो जिंदगी गुजारनी होती है, ना कि किसी एक्टर के साथ। आपके ड्राइवर का नाम क्या है और कहाँ है वो? कुर्बान, उस रात से उसका कुछ पता नहीं है। मैं जब शूट ख़त्म करके कार पार्किंग में आया तो चौकीदार ने मुझे चाबी दे दी और गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी। उसे कहा कि कुर्बान घर चला गया। नहीं सर, इसके ड्राइवर के घर पर ताला लगा हुआ है और पड़ोसियों ने बताया कि वो दो दिन से घर पर नहीं आया। अच्छा मिस्टर कलीम, अगर मैं ये कहानी बनाऊँ कि तुम्हारा और सभा का कोई ताल्लुक था और तुमने सभा को ड्राइवर के साथ पहले ही कहीं भेज दिया और बाद में ड्राइवर को फारिग करके खुद सभा के पास पहुंच गए और वहां तुम्हारा और सभा का झगड़ा हो गया और मैंने उसका कत्ल किया और उसकी लाश दफना दी। अरे वाह, क्लाइमेक्स तो आपने बता दिया, दी एंड। अब बता, लाश कहां दफनाई है? वैसे आपकी कहानी बहुत किसी पिटी है एंड की तरह। चलो फिर ये बताओ कि कहानी क्या है, सभा उस रात तुम्हारी गाड़ी में क्यों गई थी और तुम्हारा ड्राइवर तुम्हारी मर्जी के बगैर किसी को भी गाड़ी में लाता और ले जाता है? सर जी, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? आप बाकिर से क्यों नहीं पूछते? गाड़ी तेरी में गई और पूछे बाकिर से? पागल समझा है क्या? बाकिर उस दिन तुमसे इजाजत लेकर रिकॉर्डिंग से चला गया था, सही है ना? ये भी ठीक है कि बाकिर को मुझ पर शक था कि मेरा और सभा का अफेयर है। तो क्या वाकई तुम्हारा अफेयर था?
अच्छा बॉस, तो ये चक्कर है। अक्सर मेरा ड्राइवर कुर्बान सबा को पिक करता था और ड्रॉप भी करता था। शायद सबा ने उसे चलने को कहा हो तो कुर्बान ने इनकार नहीं किया होगा। मगर कुर्बान उसे कहाँ छोड़कर खुद कहाँ गायब हो गया? अरे सर, यही तो कह रहा हूँ, आप बाकिर से तो पूछे। बाकिर से क्या पूछे? सर मुझे यकीन है सबा लाजमी बाकिर से मिलने गई होगी और कुर्बान को वापस भेज दिया होगा। तो फिर कुर्बान खुद क्यों भाग गया? सर शायद उसने ये सोचा होगा कि साहब यानी कि मैं नाराज हूँगा, इसलिए वो सबा को बाकिर के पास ड्रॉप करने चला गया होगा। तुम्हें कब पता चला कि सबा और कलीम का अफेयर चल रहा है? सर वो खबीस बहुत ही ठरकी है। अबे ओ, सीधा जवाब दे। मुझे पहले से ही मालूम था, लेकिन सबा कहती थी कि उसका कलीम से ताल्लुक खत्म हो चुका है। तुमने बताया था कि तुम उस दिन किसी पर्सनल काम से शूटिंग बीच में ही छोड़ के चले गए थे। कहाँ गए थे? सर मैंने कहा ना, पर्सनल काम से गया था। सीधा बोल, ठीक है वरना अबे दो मिनट में ना मेरा घेरे निकाल के रख दूंगी। बाल तो छोड़ो ना। किसी के साथ था? अबे ओ, अपनी खाला के साथ था क्या? सबा के साथ था। उल्लू के पट्टे, तूने खामखा हमारा वक्त बर्बाद किया है। चल बताओ उस मुलाकात का अहवाल। उस दिन मैं सबा को लेकर फारूकी साहब के घर गया। अरे आओ बैठो, ऐसे अपने ही घर समझो। ये घर किसका है? ये फारूकी साहब हमारे बड़े मेहरबान है, उन्हीं का घर है ये। बाकर, मैं कलीम के साथ ये आखिरी सीरियल कर रही हूँ, मैंने इसके साथ दोबारा कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं करना। हाँ मैं भी नहीं करूँगा। देखो ना, एक तो पैसे इतने कम देते हैं, ऊपर से हद दर्जे का ठरकी है, और तो और हम उससे कहते हैं कि मुझसे शादी कर लो। क्या शादी? से शक्ल देखी अपनी? शक्ल तो खैर कुदरत ने तुम्हें भी कोई खास नहीं दिए, पर दिल आ जाए तो। अरे छोड़ो ये सब, फारूकी साहब है ना। फारूकी साहब? अरे इस घर के मालिक, बहुत ही मालदार पार्टी है। वो ना एक फिल्म बनाना चाहते हैं, 25-30 करोड़ का बजट है उनका। ओके फिर? फिर ये कि उनकी शोबिस में कोई खास जान पहचान नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम और मैं इस फिल्म में एक्टिंग भी करें, सारे प्रोजेक्ट की निगरानी भी देखें। सच्ची? वेरी गुड। तो फिर? फिर ये कि फारूकी साहब अभी आते ही होंगे, तो हम दोनों जितना उन्हें कंफर्ट और खुश करेंगे उतना ही उनका ट्रस्ट हम पे बढ़ेगा। खुश रखेंगे? अब देखो सबा, फारूकी साहब तुम्हारे काम को बहुत पसंद करते हैं, तुम्हारे बड़े फैन हैं वो, और वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ, अब मेरा मतलब है कि तुम उन्हें खुश, तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बेहुदा इंसान, एक तरफ तुम चाहते हो मैं तुमसे शादी करूं और दूसरी तरफ कहते हो मैं दूसरों को खुश करूं, डूब मरो तुम। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मेरी बात तो सुनो तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब तुम खुद जाके उनको खुश करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे सबा रुको तो, देखो ऐसा कुछ नहीं है। सबा, 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 सबा मेरी बात तो सुनो। सबा सबा
चलो ने आखिरी बार उसे कुर्बान के साथ जाते देखा। क्या बात है बॉस, कैसे इसने अपनी कहानी बेगैरती से सुनाई है। अगर नहीं बताता तो आप लोग कहाँ मानने वाले थे। यानी तुमने भी सबा को आखिरी बार कुर्बान के साथ जाते देखा है। जी वो बहुत रो रही थी। I'm so sorry, सबा। मुझे माफ कर दो। चुप कर जा सोनी का बच्चा। ओ गांडे बारा का नो, ओ गांडे बारा का नो, ओ गांडे बाकिर और चौकीदार ने कुर्बान ड्राइवर के साथ देखा है सबा को आखिरी बार। कुर्बान ही मिसिंग लिंक है। ये कुर्बान है कौन और कहां से आया था? सर हीरो बनने के चक्कर में कलीम के पास आया था। हीरो बनने? अच्छा फिर? बेरोजगार था, कलीम ने उसे कहा कि उसके यहाँ ड्राइवर लग जाए, उसको थोड़ी बहुत तनख्वाह भी दे देगा और छोटा मोटा रोल भी। अच्छा, ये कलीम के पास था कब से? सर 2-2.5 साल से। मतलब ये हुआ कि कुर्बान दिल ही दिल में कलीम पर तपा हुआ होगा। सर मुझे कलीम के लोअर स्टाफ ने बताया था कि वो अक्सर उसे गालियाँ देता था क्योंकि कलीम ने उसके हीरो बनने का ख्वाब तो तोड़ दिया और उसे लड़कियाँ लाने ले जाने वाला बना दिया था। मतलब खुद तो हीरो ना बन सका लेकिन कलीम के हीरोइन को लेकर भाग गया। सर अगर आप नोट करें तो सबा दोपहर को बाफिर से लड़कर शूटिंग पे आई थी और रात को कुर्बान के साथ निकली और वाइब हो गई। कुर्बान किस किस्म का आदमी है? स्मार्ट पढ़ा लिखा आदमी है। क्या ऐसा हो सकता है कि सबा कुर्बान के साथ कहीं चली गई हो? हो तो सकता है। अच्छा छोड़ो कोई बात को, ये बताओ कि फारूकी साहब को जानते हो? वो फारूकी जो 25 करोड़ रुपए की फिल्म का चूरन बेचता फिरता है। चूरन क्यों? क्या फारूकी साहब वाकई इन्वेस्टर नहीं है? अरे साहब वो कंगला फारूकी कहाँ 25 करोड़ रुपए की फिल्म बनाएगा, उसका तो इंटरेस्ट बस शोबिज़ की लड़कियों में रहता है, और तो और उसका इंटरेस्ट सबा में भी था। अच्छा इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ कि सबा की माँ को इतने फोन क्यों करते हो? सर सबा की माँ को फोन मैं? हाँ मेरे पास वाले फोन का कॉल लाओ भाई। झूठ बोलने की जहमत तो बिल्कुल भी नहीं करना। हाँ भाई बताओ, सबा की माँ को दिन में 6-7 कॉल्स क्यों करते हो? अरे साहब वो सबा की माँ चाहती है कि मैं उससे शादी कर लूँ, मगर मगर क्या? देखिए मैं 3 बच्चों का बाप हूँ, मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस है और मेरी बीवी यानी मेरी ससुर का पैसा इन्वेस्ट है। बीवी का पैसा छिन जाने के डर से दूसरी शादी नहीं कर रहे हो? लेकिन सबा की माँ तुम्हें शादी का इसरार क्यों कर रही है? सर वो अजीब सी औरत है, सबा तो उसके लिए सोने की चिड़िया है। सर 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 सबा आ गई। ओ गांडे बारा का नो, ओ गांडे बारा का नो, ओ गांडे बारा का नो, ओ गांडे बारा का नो। ए
तुम बताओगे कि हुआ क्या था? हम पिछले दो दिन से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। बेटा तुम बताओगे कि पिछले दो दिन में क्या हुआ था? जी बताऊंगी। बताना मेरी माँ। गाड़ी क्यों रोक दी? हर जगह आप मुस्कुराते हुए दाखिल होती हैं और फिर रोते हुए बाहर आती हैं। क्या करूं, काम पर जाऊं तो लोगों की नजरें जख्मी कर देती हैं, मोहब्बत करने वाले मुनाफ़कत करके दिल देते हैं, और घर जाऊं तो वहां मुझे मुझसे ज्यादा चिपके हुए नोटों की हवस देखकर आंसू आ जाते हैं। मैं तो बस एक ड्राइवर हूं, मगर मैंने तुम्हें कभी ड्राइवर नहीं समझा, अपना दोस्त और अपना हमदर्द समझा है। वो तुम्हें बुरा तो लगेगा लेकिन। हाँ बोलो। दूसरों के लिए खुद को बेचने से बेहतर है कि एक बार खुद को अपने लिए बेच दो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी अम्मा तुम्हारा सौदा करना चाहती है, और कलीम भी, और अब बाकिर भी यही चाहता है, तो बेहतर यही है कि एक बार अपना सौदा खुद करके इस खलासत की दुनिया से दूर चली जाओ। और रही बात फारूकी से बात तय करने की, तो बाकिर क्यों करे, तुम खुद क्यों नहीं? तुम फारूकी को जानते हो? हाँ काफी बार उससे मुलाकात हुई है मेरी, मेरे पास उसका नंबर है, अगर आप कहो तो मैं उससे कॉन्टेक्ट करूँ। फिर क्या हुआ? फिर हम फारूकी के पास गए, फिर आगे? फिर आगे क्या मैडम, वही सब कुछ। तो क्या अभी थाने में अचार डालने आई हो? घर क्यों नहीं गई? आपको एक चीज मालूम है सर, इंसान को जिंदगी में सबसे जोर का थप्पड़ भरोसा मारता है। क्या मतलब? मैं समझती थी कि कुर्बान भी मेरी तरह जिंदगी में हालात का मारा हुआ शख्स है। मैंने उसकी बात मानी, उस पर भरोसा किया, मगर कुर्बान ने क्या किया? वो भी फारूकी के साथ मिला हुआ था। कैसे? उसने पहले ही मेरा फारूकी के साथ सौदा कर रखा था। ओ। और परसों मैंने छुपकर दोनों की बातें भी सुन ली। क्या बात? कुर्बान फारूकी से कह रहा था कि 80% रकम वो रखेगा और 20% मुझे देगा। तो फिर क्या हुआ? फिर बताना मेरी माँ। अबे फिर क्या हुआ? फिर आज जब मैं सुबह उठी तो घर में बहुत बदबू थी। बदबू? जब लाशों को 24 घंटे से ज्यादा गुजर जाएंगे तो बदबू तो आएगी ना सर। लाशें? लाशें? किसकी लाशें? फारूकी और कुर्बान की लाशें। क्या, किसने मारा उन्हें? फारूकी के घर से लाशें उठवा लें। अरे किसने मारा उन्हें? मैंने फारूकी की पिस्टल से उन दोनों को उड़ा डाला। और मैंने अपनी जिंदगी के ड्रामे का दी एंड कर दिया। Thank you.